हफ्ते भर में ये देखा गया है कि जो मौत का आंकड़ा है पहले 20 के नीचे आ गया था, अब एवरेज जो है वो 30 के ऊपर चल रहा है, क्या वजह रह रही है? और दूसरी चीज ये भी देखने को मिली है कि अब प्लाज्मा की भी कमी दिल्ली में कई जगह नहीं नहीं प्लाज्मा की अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप ILBS हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अभी कंफर्टेबल पोजीशन है। सर ये जो मौत क्या है पिछले एक हफ्ते में ज़्यादा दिख रहा है? नहीं ज़्यादा देखो क्या है कि जो डेथ परसेंटेज के हिसाब से है, केसेस 4,500 केसेज हैं तो उसके हिसाब से 30 के आसपास डेथ हो रही है, 0.75 के आसपास डेथ हो रही है। 10 दिन में ही करीब 316 लोग मर चुके हैं, तो ये बड़ा आंकड़ा है कहीं बड़ा, तो देखो अब पूरे देश के अंदर ही ये महामारी फैली हुई है, तो हमारे दिल्ली में तो सबसे कम परसेंटेज में डेथ हो रही है पूरे देश के हिसाब से। तो दूसरे राज्यों से जो पेशेंट आ रहे हैं वो भी आंकड़ा इसमें शामिल है? उसको अब अलग कर रहे हैं, पहले होता था पर पिछले कुछ दिनों से 1-1.5 महीने से हम उसको अलग कर रहे हैं। और सर इसके साथ साथ ICU बेड की कमी अब नजर आ रही है, बड़े प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, देखिए दिल्ली जितने भी है लगभग अभी डेटाओं का जीरो दिखा रहा है। देखिएगा अब मैं फिर आपसे बताऊंगा, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं ना वो पहले से मन बना के आते हैं कि इस अस्पताल में जाना, जिसका नाम सुना होता है उन्होंने तो वो उस नाम के हिसाब से आते हैं, कोई अपोलो के हिसाब से, कोई मैक्स के, कोई फोर्टिस के, तो उन अस्पतालों के अंदर वो सीधा जाते हैं। और इस टाइम दिल्ली में बाहर से आने वाले पेशेंट ज़्यादातर ICU वाले पेशेंट्स हैं और 1,500 से ज़्यादा लोग अभी एडमिटेड हैं बाहर के, तो इसकी वजह से कुछ बड़े अस्पतालों के अंदर है, परंतु ओवरऑल हमारे पास 1,000 के करीब ICU बेड अभी भी अवेलेबल है।